Hello students, we had started the poem A Teenager's Prayer और इसमें हमने last class में first three stanzas complete कर दिए थे और हमने देखा है कैसे teenager अपने life के बारे में God से pray कर रहा है और उनकी मदद मांग रहा है। अभी हम fourth stanza की ओर जाएंगे। Fourth stanza, help Lord to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. The poet who's the teenager is directly talking and addressing God, and he's asking his help to refuse temptation, the desire to do wrong, so that he may be healthy and fit to face life's different situation. Is stanza mein jo teenager hai wo parmeshwar se ye shakti mangta hai ki वो जब भी उसके सामने कोई भी टेम्पटेशन आए, कुछ बुरा करने की इच्छा हो, तब वो उसे मना कर सके और वो अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट रख सके और लाइफ को अच्छी तरह जी सके। हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर जाएंगे। फिफ्थ स्टैंजा, व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ वाज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। टीनेजर कहता है कि जब उसके टीनेज की लाइफ ख़त्म हो जाएगी और तब जब वो वापस मुड़कर देखेगा तो ये रियलाइज़ करेगा, ये समझेगा कि उसकी ज़िंदगी, टीनेज वाली जो लाइफ थी, वो बहुत ही बेस्ट रह चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमेशा गॉड चलते रहे, उनका साथ दिया। इस तरीके से टीनेजर अपने लाइफ को, टीनेज लाइफ को बहुत बेस्ट वे गॉड के साथ स्पेंड कर सकता है। ये पोएम का लास्ट स्टैंजा है। अब हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस की तरफ ध्यान देंगे। पहला है राइम स्कीम। इस पोएम में हर एक स्टैंजा का राइम स्कीम एक ही है और वो है ए बी सी बी। राइमिंग वर्ड्स, मेक टेक, सक्सेस डिस्ट्रेस, सी मी वे डे, ये इस पोएम के राइमिंग वर्ड्स हैं। फिगरो स्पीचेस जो ज़्यादातर यूज हुए हैं इस पोएम में, हम उसकी स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जब साउंड ऑफ अ लेटर और द लेटर इटसेल्फ इज रिपीटेड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ एनी वर्ड। फर्स्ट सेंटेंस, और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड, इस सेंटेंस में डी रिपीट हुआ है, हम देख रहे हैं अंडरलाइंड है। सेकेंड सेंटेंस, आई एम द ओनली वन टू चूज, ओ ओनली में और वन में रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन होगा। थर्ड सेंटेंस, और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड, इस सेंटेंस में दो लेटर्स रिपीट हुए हैं, टी और डी। फिफ्थ सेंटेंस, एंड फिफ्थ फॉर लाइफ ईच डे, इस सेंटेंस में एफ रिपीट हुआ है, फिट और फॉर में। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, इस सेंटेंस में बी रिपीट हुआ है इसलिए एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, यहाँ पे एल रिपीट हुआ है तो हम उसे कहेंगे एलिट्रेशन इस सेंटेंस को। With you walking next to me, जो last sentence है उसमें W repeat हुआ है, इसलिए ये भी figure of speech alliteration होगी। आगे की figure of speeches हम देखेंगे। जो second है वो है personification। जब कोई non-living thing या चीज़ को हम life देके बात करते हैं तब हम उसे personification कहते हैं। First sentence, each day brings new beginnings, यहाँ पे ये personified हुआ है, day is personified, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो पर्सोनिफिकेशन होगा। व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, हियर द वर्ड टेम्पटेशन इज पर्सोनिफाइड एज हैविंग लाइफ, इसलिए ये सेंटेंस भी पर्सोनिफिकेशन है। इन्वर्जन तब होता है जब सेंटेंस का जो ऑर्डर है वो चेंज किया जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में डिसीजंस आई मस्ट टेक, इसका ऑर्डर ऐसा रहना चाहिए था आई मस्ट टेक डिसीजंस, तो ये हो जाएगा इन्वर्जन। That I might clearly see, ये भी inversion है क्योंकि इसका word order change हो गया है, ये इस प्रकार रहना था, that I might see clearly. Next जो fourth figure of speech है इस poem की वो है metaphor. Metaphor यहाँ पे है, I can choose to take the road of life, यहाँ पे this figure of speech is metaphor. Last जो है apostrophe, when हम directly address करते हैं कोई unseen फॉर्म को, जैसे यहाँ पे गॉड को एक डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है ये दोनों सेंटेंसेस में। प्लीज़ ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड, हेल्प लॉर्ड
टू जस्ट से नो। यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। और अब इस पोएम का ये पार्ट हम फिनिश करते हैं। आप होमवर्क के लिए फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड्स एंड राइम स्कीम को अपनी फेक कॉपी में लिख लोगे।